My name is Devuti Sahu. I'm pursuing Master's in Arts and English Literature, final year. So as the Honorable Prime Minister has introduced us with the Viksit Bharat 2047, so we'll talk under this. I have multiple things to say, but we have shorter time. So firstly, I will connect to the youth, because the voice of youth is so most important jo cheez hai effect karti hai youth ko, that is the entertainment, education and environment. So I will talk on this and modernization that we are going through. So I haven't tried any script. I will explain my work. So the education, हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हो गई है, बट अगर हम अभी भी देखें तो इन रूरल प्लेस एजुकेशन, द गवर्नमेंट एजुकेशन इज स्टिल डाउन. और क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिलाई करता है रूरल प्लेस में, सो गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन द गवर्नमेंट एजुकेशन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. बिकॉज आज के टाइम पे भी अगर कोई इंसान 15,000 की भी नौकरी करता है, दे आर अफ्रेड टू सेंड देयर किड्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि उनको पता है कि क्या हालात है. So we must focus on, the government must focus on the education level in the rural place and hospitality always. And second is competition. Education में जो competition है, जैसे हम लोग को अभी job की ज़रूरत है, right? तो competition इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी जो mid 20s है, early 30s है, वो ज़्यादा हम लोग का exam के लिए preparation करने में निकल जाता है. फिर हमको एक job के लिए उसमें उसी में लगे रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि हम सोशल होकर लोगों से इंटरेक्ट करें, पेरेंट्स के साथ में बात करें, क्योंकि पेरेंट्स आर ऑलरेडी सेइंग कि तुम 18 घंटा पढ़ाई करो, दैट्स ओनली यू विल गेट अ गुड जॉब. सो हाउ वी विल फोकस ऑन, हाउ वी विल बी कंट्रीब्यूट ऑन द विकसित भारत, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम तो पढ़ाई या फिर जॉब नहीं दे रहे. सो गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि आप थोड़ा सा वैकेंसी का लेवल बढ़ा दो और कॉम्पिटिशन का लेवल डाउन कर दो, क्योंकि हमको भी पता है कि वैकेंसीज आर देयर इन द इंडिया. क्योंकि हमारे हमारे यूनिवर्सिटी में अगर देखें तो हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक या दो टीचर हैं, बाकी एज अ गेस्ट लेक्चर. गेस्ट लेक्चर क्या होता है, आपको अगर ज़रूरत है ऑलरेडी एक गेस्ट लेक्चर की तो यू हैव टू अपॉइंटेड एज अ लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर. आप गेस्ट लेक्चर बोल के आप उनसे सर्विस ले रहे हैं, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द एक्चुअल फीस दैट दे आर वर्किंग फॉर. सो गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन कि ये संविदा या फिर गेस्ट लेक्चर है, फिर हर सेक्टर से चीज़ों को हटा दे, क्योंकि हमको भी पता है कि वैकेंसीज बहुत खाली. आप जाके देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे टीचर्स की कमी है. जस्ट बिकॉज कि आप पैसे बचा रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि इंडिया के पास में पैसे नहीं है, इंडिया इज इन अ टॉप इकोनॉमिक कंट्री, लेकिन स्टिल इट इज़ पुअर. और पॉवर्टी की बात यह है कि पॉवर्टी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो जब इंडिपेंडेंट थी तब भी थी और 100 साल बाद भी रहेगी. बट वी कैन डू इट इन अ बेटर वे कि आप वैकेंसीज का लेवल बढ़ा के कॉम्पिटिशन का लेवल थोड़ा डाउन करें, ताकि हम लोग जो यूथ है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई में देते हैं, थोड़ा सा कम करके हम अपने सोशल एक्टिविटीज में भी दे सकते हैं. वी कैन गिव टाइम टू आवर पैशन टू कम्पीट. एंड करियर, एज अ करियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया का जो 808 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो यूथ का है, जैसे मोदी जी करते कहते हैं, और डेटा भी है. तो ये होता है कि हम जैसे मैं एमए कर रही हूँ, व्हाट अबाउट व्हाट आफ्टर द एमए, सिर्फ टीचर का एक चांस होता है कि मैं टीचर बन सकती हूँ. तो हमारे एजुकेशन को ये होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस के में भी फोकस करें, क्योंकि हम एजुकेशन ले लेते हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, हाईली हम लोग स्किल्ड हैं, ऐसा भी नहीं कि इंडिया में स्किल लोगों की कमी है. दे गो टू अब्रॉड क्योंकि वहाँ पर उनको पेड अच्छा करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं. तो हमको इस तरीके से हमारे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि हम अगर एजुकेटेड हैं तो हमारे लिए प्लेस भी हो वर्क करने के लिए. वी डोंट हैव टू सफर इन आवर मिड थर्टीज कि नहीं हम जॉब ढूंढ रहे हैं, वी आर स्टिल रिलाई ऑन आवर पेरेंट्स. दैट इज एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू कंक्लूड, दैट इज मॉडर्नाइजेशन. राइट, मॉडर्नाइजेशन डजेंट मीन वेस्टर्नाइजेशन. वेस्टर्न मतलब ये होती है जो चीज़ें अमेरिका से आ रही है, फिर ब्रिटेन से आ रही है, लाइक द वेयर वी वेयरिंग, लाइक द क्लोथ्स. द मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम अमेरिका थिंग्स. दैट आजकल लोग यूथ जो है बहुत ज़्यादा बियर एल्कोहल कंटेंट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ कम फ्रॉम द अमेरिकन और द वेस्टर्नाइजेशन. वहाँ पर लोग इसलिए ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, पर हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते. हमारे इंडिया क्लाइमेट इज मच बेटर टू रिलाई विदाउट एल्कोहल, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते. वी आर जस्ट कॉपिंग द वेस्टर्न थिंग एज अ मॉडर्न, क्योंकि हम लोग को तो ये बोल रहे हैं कि वी आर मॉडर्न जस्ट बिकॉज वी आर वियरिंग द क्लोथ्स दैट केम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज. And that. And one more thing, in the media, am I saying too fast? I'm sorry for that. Media, क्योंकि media is such a big thing, क्योंकि हम लोग अपना most of the time media में देते हैं the content we are consuming from the Instagram, Facebook or the TV, anything.
वो मोस्ट ऑफ द टाइम डिबेट पे फोकस करते हैं या फिर ऐसी चीजों पे फोकस करते हैं. वायलेंट आजकल की जो मूवीज आ रही है वेरी वायलेंट. उन लोग प्रॉब्लम को इतना फोकस करते हैं नॉट द सॉल्यूशन. सो वी हैव टू लुक फॉर द कंटेंट विच आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड ताकि हम लोग का माइंड भी उस तरीके से डेवलप हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ क्राइम पेट्रोल. वहाँ पे सॉल्यूशन को इतने डिटेल्स नहीं दिखाते हैं जितने कि उन लोग कैसे क्राइम के इसको दिखाते हैं. सो वी मस्ट हम लोग यूथ हैं एजुकेटेड हैं राइट. सो वी मस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन ताकि हम लोग अपने कंट्री के लिए भी कुछ कर सकें और खुद के लिए भी कर सकें और एनवायरमेंट के लिए भी कर सकें. वी मस्ट सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये होगा कि हम एक इंसान क्या कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए. तो हम एक इंसान पूरे वर्ल्ड के लिए पूरी कंट्री के लिए तो नहीं कर सकते पर खुद के लिए कर सकते हैं. यू कैन सेव अ लिटिल बिट फ्यूल. आप एक दिन एक्स्ट्रा अगर पेट्रोल डलवाएंगे तो इट विल बी योर पॉकेट मनी प्रॉफिट. और ये होता है कि क्लाइमेट चेंज. ऑफकोर्स क्लाइमेट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन वी आर मेकिंग. बट ये होता है कि वी डू कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज अंडर सिटिंग इन द AC रूम. सो दैट्स नॉट गोना वर्क. वी हैव टू टेक अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर सेल्फ. आप पूरे इंडिया को चलो भूल जाइए, खुद के लिए करें. आप अपने आप को बदलना, अपने घर को बदलना तो इंडिया विल बी ऑफकोर्स विकसित इन 2047 और इट कैन बी बिफोर इट ऑल्सो इफ वी work on in our behalf. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you.